नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग साइंस के आपके 96 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों दो से तीन बार आप लोग ज़रूर सुनिए वीडियो को और इन क्वेश्चनों को तीन से चार बार आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, यह एक क्रिया है, कैसी प्रतिक्रिया है? तो यह प्रतिवर्ती अनुक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है, क्या ये किसके बने होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल संबंधित है किससे? वसा से संबंधित है। विटामिन के की कमी के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो शल्यक्रिया के उपरांत रक्तस्राव होता है। वृद्धि हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है एंजाइम के द्वारा होता है, ग्लूकोज के क्रमिक विखंडन से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? क्षुद्रांत ग्रंथि या छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसमें? कॉर्ड या यकृत तेल में पाया जाता है। पके हुए आम में विटामिन होता है कौन सा? तो विटामिन ए पाया जाता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए दवा कौन सी ली जाती है? तो एंटीपायरेटिक ली जाती है, एंटीपायरेटिक। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है किसका? तो ये प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के क्रम में नष्ट क्या चीज़ हो जाती है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? तो एनीमिया होता है। तंत्रिका शेल शरीर के बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया प्रसारित करने का कार्य करता है, इस सेल की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो गेहूं के अंकुर के तेल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं किसके द्वारा? स्वर यंत्र में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख के मायोपिक दृष्टि अल्पदृष्टि में क्या होता है? तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों के बंध्याकरण शल क्रिया को क्या कहते हैं? तो वैक्सेटोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है जिसके लिए मादा जनन हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत कणिकाएं में क्या परिवर्तन आता है? तो आकार में बड़ी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो नींद में खर्राटे लेते समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। पाचक रसों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की कमी के कारण हो जाता है, इसकी पूर्ति के लिए क्या चढ़ाया जाता है? तो सेलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियाँ तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या होता है? तो मोटा अनत्वकच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसंजित श्लेष्माब क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेता है, तो श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जैविक यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, तो कौन सा है? एंजाइम होता है वो।
चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एंजाइम सजीव तंत्र में काम करते हैं, किसका? तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा होता है, एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव के अग्र भाग में मीठे पार्श्व किनारे पर और खट्टे एवं अग्र छोर और किनारों पर स्वाद की संवेदना होती है, कहाँ पर? तो स्वाद की संवेदना नमकीनों। चलिए आगे देखते हैं, वह कारण जिससे सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इन बीजों में अनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिसके आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, इसीलिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, सब्जियों में सबसे अधिक लौह पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? मेथी में। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है कौन सा है? जाइमेज है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं 12 चवर्णक होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि है। पीलिया क्या है? एक वायरस जनित यकृत का रोग है। अम्लीय श्रवण विशिष्टता है किसकी? तो जठर रस की है। जठर रस निकलता है कहाँ से? तो अमाशय से निकलता है जठर रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। हेपेटाइटिस है क्या है? जिगर का रोग है। हेपेटाइटिस होता है किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अम्ल जो अमाशय रस में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है अम्ल। प्रोटीन को प्रमुखता माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, सब्जियां जल्द खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किसकी? तो जल की अधिक मात्रा होती है। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी? तो वसा की अधिक प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट हो सकते हैं कैसे? कैंसर के कारक हो सकते हैं। दालें उत्तम स्रोत होती हैं किसका? तो प्रोटीन का स्रोत होती हैं दालें। दालों में प्रोटीन पाया जाता है गेहूं का 2 गुना और चावल का लगभग 3 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन होता है क्या? तेल में प्रक्षिप्त पानी होता है। क्रीम क्या होता है? पानी में प्रक्षिप्त तेल होता है, क्रीम। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के जिस भाग में होती हैं वह कौन सा भाग है? पार्श्व भाग है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन का संचयन कहां पर होता है? तो ग्लाइकोजन का संचयन यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जिसे अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो विटामिन कौन सा है? विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। लार होती है, हल्की अम्लीय होती है। पीएच इसका 6.8 होता है। मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें पाचन और श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो वो कौन सा भाग है? ग्रसनी। भोजन और वायु के लिए सहमार्ग का काम करती हैं, ग्रसनी। अन्न एक समृद्ध स्रोत किसका है? तो स्टार्च का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है उपकला उत्कों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वह विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं मिलता। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। छिली हुई सब्जियों को धोने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। किसी भी पाचन एंजाइम का श्रवण नहीं करता तो कौन नहीं करता? यकृत नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो? विटामिन डी की कमी हो। फर्टिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में
ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वसा है। विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें? तो दूध में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जीव जिसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है, तो म्यूकस और राइजोपस कहते हैं। वह विटामिन जिसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वह शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज है। फ्रक्टोज है, क्या है? एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, इसे फल शर्करा भी कहते हैं, कई बार पूछा गया। यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्र का श्रावण, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना और विषैले पदार्थों से विषहरण करना इत्यादि होता है काम। चलिए आगे देखते हैं। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? रीज़न है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ऐसा होता है। वह धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है, तो B12 का घटक एक कोबाल्ट है। प्रदूषण जिसके कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है, कैडमियम के कारण गुर्दे का रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वेदन महत्वपूर्ण आवश्यक है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किसके? स्वेद ग्रंथियां ताप नियमन से संबंधित हैं। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से ह्रासमान होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की आपूर्ति की जा सकती है ORS घोल के द्वारा। और अपोहन का प्रयोग होता है किस में? गुर्दे की में उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने आज के 96 क्वेश्चन जो आपके साइंस के थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको आज हम लोगों ने देखा। और दोस्तों रिवीजन 2 से 3 बार ज़रूर आप लोग करिएगा, आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।